सो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अभी तक 100 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। यहाँ से आप इसे फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से इसे ओपन कीजिए। तो जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इसे एक्सेस देना होगा अपने फ़ोटो एंड मीडिया डिवाइस का। यहाँ से इसे अलाउ कर दीजिए ताकि ये फ़ोटो वगैरह और भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपके फ़ोन में सेव कर पाए। अब यहाँ से इसे गेट स्टार्टेड कीजिए। इसके बाद आपको इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डेटा और दूसरा डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे नीचे आपको प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला नोट, दूसरा लेंस, तीसरा डॉक्यूमेंट। जो नोट वाला ऑप्शन है, जब उस पर टैप करेंगे तो आप सीधे सीधे कोई भी चीज़ नोट कर पाएंगे, जैसे आप अपने स्टिकी नोट पे करते हैं विंडोज़ में जो फीचर होता है। यहाँ पे आप जब भी कोई भी चीज़ नोट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माई बिग गाइड, और देखिए यहाँ पे नीचे आपको फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा बोल्ड का ऑप्शन, इटैलिक का, अंडरलाइन का। यहाँ पे ऊपर ये जो तीन डॉट आपको दिख रही हैं, जब आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन, पिंक और भी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। इससे चलिए हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको, जब आप ऑफिस पहली बार ओपन करेंगे, तो जो नोट है बिल्कुल सबसे ऊपर दिख जाएगा, यानी आपको जो भी काम करना है आप उसे कर पाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है वो मिलता है लेंस का। जब हम इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी होगी अपने कैमरे की। चलिए इसे अलाउ कर देते हैं। तो जैसे आप कैमरे की परमिशन देंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट और फोटो, तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक प्रिंट किया हुआ पेपर है, जिसपे मैंने एक एक्सेल की जो शीट है उसको प्रिंट किया है। आप इसके डॉक्यूमेंट वाले स्कैनर से हम यहाँ पे इस जो इमेज है उसको कैप्चर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रेड कलर की जो लाइन है वो बन के आएगी। थोड़ा सा मैं इसे दूर कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से, और आप इसे कैप्चर कर लीजिए। जब आप इसे कैप्चर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट्स बन के आएंगे। इनको आप अपनी टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए जो टेबल है वो हमारे पास आ गई है। सो इस तरह से आप कोई भी जो फाइल है उसको स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे एक्शंस लिखा हुआ है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र फाइल, शेयर नियर बाय, यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू टेबल, साइन अ PDF, स्कैन टू PDF, पिक्चर टू PDF, डॉक्यूमेंट टू PDF और स्कैन QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास कोई प्रिंट की हुई टेबल है और आप उसे चाहते हैं कि आप इमेज को स्कैन करें और वो एक्सेल में टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे आप इस टेबल को इस तरह से फोटो खींचेंगे उसका, ये देखिए, और बस आपको यहाँ पे ये जो अगर नोट्स आपके गलत हैं तो उनको ठीक कर लेना है और यहाँ से कंफर्म करना है। कुछ ही सेकंड में नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो सीधे सीधे इसे एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको लाल कलर के जो बॉक्स दिख रहे हैं उसमें आपको स्पेलिंग चेक करनी है। अगर स्पेलिंग ठीक है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप ऊपर से स्पेलिंग मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाई नहीं आया है, ये वाली जो स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक है, रवि की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का बटन दिया गया है, तो आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे बीच में वाई को ऐड कर दीजिए, इसे डन कीजिए। तो अब देखिए सारी स्पेलिंग ठीक हो गई। यहाँ से आपको एक्सेल में इसे ओपन करना है। तो आप देखेंगे अभी ये जो टेबल हमारे पास प्रिंट की हुई थी, ये बिना हमने टाइप किए हुए एक्सेल में ओपन कर ली है। तो इस तरह से आप इस टेबल को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑफिस की और जो ढेर सारी एप्लीकेशंस है उसके बारे में। यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए स्कैन टेक्स्ट का ऑप्शन है, एक्सेल के लिए स्कैन टेबल का ऑप्शन है, और पावर पॉइंट के लिए चूज पिक्चर का ऑप्शन है। तो एक एक करके हम तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो खुल गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमें ऑप्शन मिलते थे एमएस वर्ड में, फॉन्ट का, लेआउट का, ये ढेर सारे ऑप्शन मिलते थे, वो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। आप चाहें तो फॉन्ट भी ले सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, या अपने फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि एमएस वर्ड में हमें लेटर टाइप करना होता है और उससे रिलेटेड टूल्स हमें हमारे जो पीसी का सॉफ्टवेयर है वहां पर मिलते हैं, और वही सारे टूल्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप एक बटन देख रहे होंगे, इस बटन पर अगर हम टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर होम मेन्यू आ जाएगा, और होम मेन्यू में जितने भी टूल्स आपको डेस्कटॉप पर मिलेंगे वो सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप पूछेंगे फॉन्ट कहाँ पर है,
तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके फॉन्ट का ऑप्शन है और बराबर में फॉन्ट साइज दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप टैप करेंगे तो जो कुछ फॉन्ट्स हैं आपको आपके सिस्टम में मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, वो सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला हम ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम फॉन्ट साइज लेंगे, तो फॉन्ट साइज में हम 16 साइज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बोल्ड करना चाहें या फॉन्ट कलर बदलना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज टाइप की है तो उस पर से आप जो भी फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है या फॉन्ट स्टाइल है, उसको अगर हटाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको टाइप करके मैं दिखा देता हूं। तो यहां से हमें बैक जाना है। जैसे आप बैक करेंगे तो आपका कीबोर्ड आपको दिख जाएगा। जो आपके फोन का कीबोर्ड है वही यहां पर काम करेगा। एक्सेल में ऐसा नहीं था, एक्सेल में जो कीबोर्ड था वो अलग से दिया गया था। तो यहां पर फोन में मैंने जीबोर्ड को इस्तेमाल किया है। आप जो भी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो उससे आप टाइप कर सकते हैं। जीबोर्ड में कई सारे फीचर्स होते हैं। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी टाइप कर सकते हैं या बोलकर भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं हिंदी को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको हिंदी में टाइप करके दिखा देता हूँ। माई बिग गाइड। यहाँ पर इसने माई को मी कर दिया है, तो इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं हम। ये देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे आपको पेज दिखाई नहीं देगा। पेज आपको कब दिखाई देगा, ये पूरा जो लेआउट है वो एकदम चिपक के आ रहा है जो पेज है। आप इसको जूम आउट कीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे जूम आउट करेंगे तो आपको पेज दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पेज की आउटलाइन दिख रही होंगी। और मैं इसको थोड़ा सा और बैक कर लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं आपको दिखाता हूँ पेज कहाँ पर है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है पेज, अभी आप जो देख रहे हैं ये हम इसका मिनिमम साइज आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, ये 22% पे जाके आपकी जो स्क्रीन है उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये आपके पास पेज आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। होम मेन्यू के जो सारे ऑप्शन हैं, बुलेट लिस्ट है, नंबरिंग लिस्ट है, यहाँ पे आपको एल्गिन मिल जाता है, लेफ्ट सेंटर राइट के लिए जस्टिफाई का एल्गिन भी है, पैराग्राफ की सेटिंग्स दी गई हैं, फाइंड का बटन दिया गया है। अगर आपके कोई पेज में दिक्कत है तो यहाँ से आप फाइंड करें और आप यहाँ पर वो शब्द लिख सकते हैं जो आपको ढूंढना है। जैसे मैं हिंदी का शब्द लिख देता हूँ माय, तो आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर माय टाइप किया तो यहाँ पर जो माय है वो हाईलाइट हो गया है। अब मानिए मुझे रिप्लेस भी करना है तो मैं सेटिंग पे चला जाता हूँ और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब माई को मुझे इंग्लिश के माई से रिप्लेस करा देना है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश के फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और माई लिख देता हूँ। आप देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर बस मुझे रिप्लेस को टैप करना है। आप देखिए जो शब्द है वो रिप्लेस हो गया। यानी जो सारे टूल हैं वो उसी तरह से काम करते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो टूल है वो कहाँ आपको मिलेंगे, किस तरह से हैं। इसमें जो सारे टूल हैं वो कॉम्पैक्ट करके दिए गए हैं, जो मोबाइल की एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा। यहाँ पर हम टैप कर देते हैं, जो फाइंड का हमने विंडो ओपन किया है उसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और मेन्यूज़ को देखेंगे। तो ये होम मेन्यू थी। होम के अलावा आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू है, ड्रॉ है, लेआउट है, रिव्यू है और व्यू है। ये सारे वही मेन्यू हैं जो आपके पीसी के सॉफ्टवेयर में दिए गए होते हैं। जब हम इंसर्ट मेन्यू पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक पेज का ऑप्शन हमें मिलेगा, टेबल का मिलेगा, पिक्चर का मिलेगा, शेप का मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, लिंक जो हम हाइपर लिंक वगैरह जो सारे लिंक लगाते हैं उनका ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे कमेंट का ऑप्शन है, हेडर फुटर आप यहाँ से लगा सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की, फुट नोट और एंड नोट डाल सकते हैं। मैंने एमएस वर्ड की पूरी प्लेलिस्ट डाली है माई बिग गाइड चैनल पर, और वहां से जाके आप ये सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो ये ऑप्शन किस किस काम आते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट की मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ विद माउस और टच, तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं केवल टच से। तो यहाँ पर हम इसे टैप करते हैं और ड्रॉ करके कुछ देख लेते हैं। देखिए टच से हमने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये इरेजर दिया गया है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको इसे डिलीट कर देना है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड हमें ऑप्शन ऊपर मिल जाएंगे। ये कट का है, ये कॉपी का है, ये पेस्ट का है, और यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे और भी पेन मिलता है, हाईलाइटर मिलता है, हाईलाइटर के लिए आपको कलर मिलते हैं,
लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं ड्रॉ में। इसके बाद आप जब लेआउट में जाते हैं तो लेआउट में आपको मार्जिन सेट करने का ऑप्शन, ओरिएंटेशन सेट करने का ऑप्शन, पेज साइज़ को आप यहाँ से बदल सकते हैं, लेटर लीगल जो भी आप पेज चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन मिलता है, जैसे हम पेपर में या मैगजीन में कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो दो कॉलम्स में या तीन कॉलम्स में होता है, तो यहाँ पर जाकर आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और जितने भी कॉलम में आप आर्टिकल टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आपको पेज ब्रेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिव्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे, जैसे स्पेलिंग है, स्मार्ट लुकअप है, वर्ड काउंट है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जब आप व्यू में जाएंगे तो व्यू में आपको मिलेगा मोबाइल व्यू का ऑप्शन, प्रिंट लेआउट के व्यू का ऑप्शन, उसके बाद आप पेज को फिट कर सकते हैं, पेज विड्थ देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आपने मान लीजिए कोई भी फाइल एमएस वर्ड में बना ली और आपको वो किसी व्यक्ति को शेयर करानी है, तो बस आपको यहाँ पर जाना है जो तीन डॉट लगे हैं और यहाँ पर आपको ढेर सारे वो ऑप्शन मिलेंगे जिनसे आप फाइल को शेयर करा सकते हैं, उसकी कॉपी को सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो हम शेयर पर चले जाते हैं, शेयर में हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है सेव टू वन ड्राइव, यानी जब यहाँ पर आप टैप करेंगे और आपका अकाउंट होगा वन ड्राइव पर जो कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, वहां पर ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जाके सेव हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नीचे आप शेयर एज अटैचमेंट पे चले जाइए और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट और पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, यानी ये जो आप डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ये आप सीधे सीधे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पर चले जाइए, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सीधा सीधा आप कहीं भी भेज सकते हैं, जैसे आउटलुक पर या ब्लूटूथ से अपने पीसी पर या जीमेल से किसी को भी मेल कर सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। यहाँ जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ आप इस डॉक्यूमेंट को भेज पाएंगे। जैसे मैं अभी जीमेल पर भेजता हूँ तो जीमेल पर मैंने टैप किया और यहाँ पर बस मुझे कोई भी एक ईमेल आईडी डालनी है, तो यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दी और बस मुझे ये जो मेल है ये सेंड करना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सीधा सीधा मैं अपने सिस्टम पर ओपन करके देख सकता हूँ। यहाँ पर ये जो आप हिंदी देख रहे हैं ये हिंदी यूनिकोड टाइप से मैं वहाँ पर इसको चेंज कर पाऊंगा, ये कुर्तिदेव और देवलेस वाले फॉन्ट नहीं है, अभी फिलहाल हम उन फॉन्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉन्ट है वो यूनिकोड के सहारे आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे गूगल हिंदी इनपुट है या माइक्रोसॉफ्ट का इंडीक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप ये जो हिंदी वाली टाइपिंग है इसको एडिट कर पाएंगे। इंग्लिश की टाइपिंग आप अपने जर्नल जो भी आप टाइप करते हैं वहाँ से एडिट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर में एक्सेल ओपन होता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक वर्कशीट दिखाई दे रही है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि ये जो वर्कशीट है वो फुल दिखाई देती है, यहाँ पर क्योंकि ये फोन की स्क्रीन है तो ये इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। अब वो सारे ऑप्शन जो हमें कंप्यूटर में मिलते हैं उनका इस्तेमाल हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ पे सम कर पाएंगे, कैसे हम इस फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज पाएंगे या किसी और चीज में हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे, ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम सीखेंगे। अगर आप विस्तृत तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल माई बिग गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर हमने एक्सेल का जो पूरा कोर्स है वो कराया है और वही हथकंडे आपको मोबाइल में भी अपनाने हैं। अगर आप एक्सेल सीखे हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी सेल्स बने हुए हैं और अगर कहीं भी आप टैप करते हैं स्क्रीन पर तो सेल सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट किए हुए सेल में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर डबल टैप करना है और डबल टैप जैसे आप इस पर करेंगे देखिए तो यहाँ पर नीचे आपका कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड में आपको यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल और जो आपके टेक्स्ट बटन है वो दिखाई देंगे। अगर आपको सिंपल न्यूमेरिकल बटन ही चाहिए तो यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन और भी है जो इस तरह से आ जाएगा और आप यहाँ पर बड़े आसानी से टाइप कर पाएंगे। मैं कुछ टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे टैब का इस्तेमाल करते हैं और कैसे नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा, 7 लिखने के बाद अगर आपको इस वाले सेल में यानी बी में जाना है, अगले कॉलम पर जाना है, तो आपको यहाँ पर एरो का जो आइकन है वो दिखेगा, आप इससे अगले कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटर का बटन, जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, देखिए वो जिस तरह से। अब इस कीबोर्ड के आइकन के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है ये जो बटन है ये टैब का बटन है, जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो अगले कॉलम में आप आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे एंटर को प्रेस करते ही आप
नीचे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह ही काम करता है और बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो बटन है, ये है नई शीट बनाने का। जब हम कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑलरेडी 3 वर्कबुक मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 वर्कबुक नहीं मिलेंगी, हमें यहाँ पर एक ही मिलती है। अगर आपको और कुछ नई वर्कबुक बनानी है, नई शीट ऐड करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर टैप कर दीजिए, आप देखेंगे दूसरी शीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एक तरीका है शीट बनाने का, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपको कोई सम करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 8, उसके बाद एंटर किया हमने, उसके बाद 9, उसके बाद एक और बार हमने नीचे एंटर किया। आप देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर आ गए। अब हमें ये चौथे वाले जो सेल है उसमें हमें इन तीनों जो ऊपर के सेल हैं इनका सम करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको सबसे नीचे एक ये जो फॉर्मूला है इसका आइकन मिलता है आपके कीबोर्ड में। अगर आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर एफएक्स दिखेगा, ये भी फॉर्मूला का आइकन है, यहाँ से भी आप सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और जो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो हमें सम करना है तो सम पर हम टैप कर देंगे और जैसे ही हम सम पर टैप करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले जो तीनों सेल हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आपको एक बार टैप करना होगा, यहाँ पर हम टैप कर देते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से खींचते हैं। तो आप देखेंगे मैंने तीनों सेल्स का सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लग गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक हरे कलर का आइकन दिखेगा, इस पर भी आप टैप कर दीजिए और जैसे आप टैप करेंगे आप देखेंगे सम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लग चुका है और आप देखिए ये सम हो गया है। तो इस तरह से आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब नीचे एक बार दोबारा से चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आइकन है, इसको जैसे आप ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो होम मेन्यू है उसके सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे बॉर्डर का, फिल कलर का, फॉन्ट कलर का। यहाँ पर आप देखेंगे एल्गिन दिए गए हैं, सेंटर है, मिडिल है, लेफ्ट है, राइट है, मर्ज और सेंटर का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वाप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और सेल स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, जो सारे ऑप्शन हैं ऑटो सम का, फाइंड का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आपको मेन्यू बदलना है तो आप यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको जो मेन्यू है वो मिल जाएगी, जैसे इंसर्ट है, ड्रॉ है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये सारे वही मेन्यू हैं जो आपको आपके कंप्यूटर में मिलते हैं एमएस एक्सेल में, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। जो आपके ऑप्शन एमएस एक्सेल में होते हैं आपके कंप्यूटर में वही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर लगा के देख लेते हैं। तो हम इस एरिया को पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो दबा के रखना है और ये जो नीचे वाला जो आपको राउंड बटन दिख रहा है, आप इसको बिंदी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको पकड़ के आपको इस तरह से खींचना है। तो जितना भी एरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे कंप्यूटर में सेलेक्ट होता है उसी तरह से यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज और आपको दिखेगी कि जितना एरिया भी हमने सेलेक्ट किया है उसका सम आपको ऊपर दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, काउंट दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको यहां पर भी साथ में दिखती जाएंगी। अब हम इस पे बॉर्डर लगाएंगे तो यहां पर आपको बॉर्डर के ऑप्शन पर जाना है और यहां पर आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो आपकी एक्सेल की जो शीट है उस पर बॉर्डर लग जाएगा। तो सिंपल यही सारी चीज़ें आप करते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन करते हैं। इसके बाद में अगर हमें कलर चेंज करना है तो भी आपको ये जो सारी शीट हैं, जो सेल हैं, वो सेलेक्ट करने होंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो वैसे ऑप्शन है, जो कॉमन ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे फिल है, एडिट है, क्लियर है, कमेंट है। यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपने कुछ चीज़ कट कॉपी या पेस्ट करी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फिल कलर, फॉन्ट कलर, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल फिल कलर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पर पीला कलर भर दिया है अंदर। अगर आपको और कोई कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ पर ये जो एरो दिया गया है इस पर टैप कीजिए और आपको यहाँ पर ढेरों कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई एक और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया हमने। तो यहाँ पर आप देखिए वो ग्रीन कलर नीचे बैकग्राउंड में फिल हो गया। अब यहाँ पर हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, जब आप होम की पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट पर, तो आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, चार्ट का ऑप्शन, लिंक का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको शेप्स भी मिलेगा, मानिए आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है अपनी शीट पर तो आप इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स मिल जाएंगी, जो भी आपको आपके कंप्यूटर में मिलती हैं वो सारी। अब मानिए यहाँ पर हमें सर्किल लेना है तो सर्किल पे हमने टैप किया और आप देखिए आपकी शीट पर तुरंत सर्किल आ गया। अब ये सर्किल आप कहीं भी ले जा सकते हैं,
इसके नोट्स को पकड़ के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी कुछ दिन, तो आप बड़े आसानी से अपने फोन पर ही एक्सेल को चलाना सीख जाएंगे। अब मान लीजिए ये जो वर्कशीट आपने अभी यहाँ पर तैयार की है, सारे फॉर्मूले वर्मूले लगा के, सारा जो एक्सेल में आपने काम किया है वो सब कुछ करके किसी व्यक्ति को भेजनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा ये शेयर वाला, या फिर आप इन तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड अ कॉपी, सेव सेव एज, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये प्रिंट आप कैसे करेंगे, प्रिंट पर जब आप टैप करेंगे तो आपका जो भी क्लाउड प्रिंटर आपके फोन से कनेक्टेड होगा उसको आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट के ऑप्शन में हमें यहां पर मिलता है एक्टिव शीट का ऑप्शन, और स्क्रॉलिंग के लिए नो स्क्रॉलिंग दिया गया है। उसका मतलब ये है कि जो भी व्यू यहां पर अभी डिस्प्ले हो रहा होगा केवल उनको वो सेलेक्ट करेगा, पूरी शीट को नहीं लेगा। इसके बाद यहां पर आपको मिलता है पेपर साइज का ऑप्शन, यहां पर लेटर दिया गया है, A4 दिया गया है, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट कर रखा हो अपने प्रिंटर में उसे आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर प्रेस करना है प्रिंट को, और यहां से आपको अलाउ करना है इसे। अलाउ करने के बाद यहां पर ये प्रिंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए यहां पर सेलेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अगर हमने अपने फोन से किसी क्लाउड प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है तो यहां पे हमें क्लाउड प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाता। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोन से क्लाउड प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल में हम चलते हैं इसके पीछे वापस से, और हम सीखते हैं कि इस फाइल को मेल कैसे करेंगे हम किसी को अगर चाहें तो। यहाँ पे हम शेयर के बटन पे टैप करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप शेयर पे टैप करेंगे, सेंड टू वन ड्राइव और नीचे शेयर एज अटैचमेंट। तो ये फाइल मेल के साथ अटैचमेंट के तौर पर भेजी जा सकती है। अब यहां से आपको इसको टैप करना है। यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक वर्कबुक का और एक पीडीएफ का। अगर आप चाहें इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप वर्कबुक को सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो फाइल आपने फोन में बनाई है अभी वो आपके कंप्यूटर पर बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगी। तो यहां पर हम टैप कर देते हैं, और जैसे ही टैप करेंगे तो यहां पर हमें जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्सएप का मिलेगा, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उन सभी के आपको ऑप्शन यहां पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम जीमेल पर टैप करते हैं, और जीमेल पर टैप करने के बाद में यहां पर अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। तो यहां पर हम कर देते हैं ईमेल आईडी टाइप, और इसके बाद यहां से इसे हम इसे सेंड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो फाइल है अटैचमेंट के तौर पर हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फोन पर एक्सेल में जो भी आपका काम है वो कर सकते हैं। अब आपको जो सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में वो कहां पर मिलेंगे, तो यहां पर नीचे जो एफएक्स लिखा हुआ है यहां भी आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, और जो ऊपर एफएक्स लिखा हुआ है यहां भी आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो एक बार टैप करके देख लेते हैं। जैसे हम यहां पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, जितने भी फॉर्मूले एक्सेल में लगाए जाते हैं वो सभी यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इस पे हम टैप करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सभी फॉर्मूलों की लिस्ट दी गई है, और किसी भी फॉर्मूले को आप बड़ी आसानी से यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर हम बैक जाते हैं एक बार और देख लेते हैं यहां पर टेक्स्ट के लिए कौन कौन से फॉर्मूले दिए गए हैं। देखिए डॉलर का दिया गया है, फाइंड का दिया गया है, लेफ्ट राइट लोअर मिड। तो अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है कंप्यूटर में तो आप अपने फोन पर भी उसे बड़े आसानी से चला सकते हैं, और जिनको नहीं भी आता है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो फोन में एक्सेल चलाना सीख जाएं। तो जैसे आप पहली बार किसी स्लाइड शो को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड का, ये जो बटन है ये है प्रेजेंटेशन को प्ले करने का, यानी जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपने जो भी स्लाइड शो बनाया होगा वो इस तरह से आपके फोन पे रन हो जाएगा। इस पर डबल टैप करेंगे आपका जो स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा और आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये जो बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर जो मेन मेन्यू है वो आपको मिल जाएगा, यानी न्यू स्लाइड बनाने का ऑप्शन, नोट करने का ऑप्शन, फाइल को शेयर करने का ऑप्शन, शेयर एज पीडीएफ करने का ऑप्शन, यानी आप अपने स्लाइड शो को पीडीएफ में भी शेयर करा सकते हैं और ऑफलाइन भी अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। ये सेव का ऑप्शन है और नीचे सेव एज का है। अगर आपने अपने मोबाइल से कोई क्लाउड प्रिंटर अटैच कर रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोन से स्लाइड शो का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई बेसिक बातें, अब नीचे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपके जो स्लाइड शो है, जो स्लाइड का लेआउट कैसे आप बदलेंगे उसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको आपकी स्लाइड दिख रही है, यहाँ से आप अपनी कोई भी नई स्लाइड ऐड करा सकते हैं क्लिक करके इस प्लस बटन पर। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कुल 3 स्लाइड्स ऐड करा ली हैं। जिस भी स्लाइड को आप सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे यहाँ पर रेड कलर का आइकन आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी स्लाइड का जो आपको लेआउट है वो बदलना है, यानी जो स्टाइल है वो बदलनी है, तो बस आपको यहाँ पर ये वाला आइकन पर टैप करना है।
टैप करने के बाद में जो लेआउट आपको आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में मिलते हैं वो सारे लेआउट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे टू कंटेंट वाला है, सेक्शन हेडर वाला है, टाइटल एंड कंटेंट वाला है, जो भी चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो जो लेआउट है वो आपकी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यहाँ पर टेबल बनाने का, तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर तुरंत से एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। टेबल को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसमें कॉलम है, रो है, वो एक साथ में आ जाएंगे। इस पर डबल टैप जब आप करेंगे तो आप इसको टाइप कर पाएंगे। टेबल में एक नया कॉलम जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो एक नया कॉलम आपके टेबल में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और टेबल बना सकते हैं। तो ये आ गए हम अपनी स्लाइड पर। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है हमें पिक्चर इंसर्ट कराने का। तो चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर टैप करके आप अपने फ़ोन से कोई भी पिक्चर यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने का। शेप हैं, जितनी भी शेप हैं वो सब यहाँ पर दी गई हैं, जो आपको आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के पावर पॉइंट में मिलती हैं वो सारी शेप यहाँ पर दी गई हैं। कोई भी अगर आपको शेप इंसर्ट करानी है तो बस आप उस शेप पर टैप कीजिए, टैप करने के साथ ही वो आपके स्लाइड पर आ जाएगी। यहाँ पे ये जो बटन है इससे आप इसको मूव करा सकते हैं कहीं भी, और ये जो आपको कॉर्नर दिख रहे हैं इनको पकड़ के जैसे आप खींचेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो जाएगा। सेंटर करने के लिए यहाँ पर देखिए लाइन दी गई है, लाइन से आप इसको सेंटर में या कहीं भी उसको टच कराकर बड़ा कर सकते हैं। अब इसका कलर वगैरह अगर आपको बदलना हो तो जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कलर का, लाइन कलर का, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये फिल कलर है, फिल कलर पे आप किसी भी कलर पे टैप करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर पाएंगे। साइड में ये आपको लाइन कलर दिया गया है, अगर आपको आउटलाइन डार्क करनी है तो बस आप यहाँ पर टैप कर दीजिए, जो आउटलाइन है वो डार्क हो जाएगी। तो ये थे आपके इसके बेसिक ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको ये जो साइड में दिखता है ये है आपका मेन्यू बार, जो आपके पावर पॉइंट के रिबन में भी आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपके डेस्कटॉप के पावर पॉइंट में आपको मिलते हैं। तो अगर हम होम पर टैप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर होम के जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको सारे फॉन्ट मिल जाएंगे जो आपके डेस्कटॉप पे दिए गए होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट का साइज़, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हैं। ये बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर दिया गया है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, मानिए आपने कुछ टाइप किया, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और डबल टैप करने के बाद में आप अपना नाम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। देखिए यहाँ ना यहाँ तो देखिए यहाँ पर नाम आ गया। अब ये जो एरो बटन है इस पर टैप करना है तो आपका जो मेन्यू है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बार और डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो फॉन्ट है वो सेलेक्ट हो गया। देखिए बोल्ड, यहाँ से हम इसे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का जो कलर है वो हम बदल सकते हैं, साइड का जो एरो दिया गया है वहाँ से जो भी कलर चाहें। इसके बाद में यहाँ पर ये फॉन्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए दोबारा से मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जितने भी फॉन्ट दिए गए हैं आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होम मेन्यू का काम। अब मैं आपको बताने वाला था क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो नीचे आपको जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर। अब हमने इस पर जो भी कलर है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, जो कुछ भी लगाया अगर वो हमें क्लियर करना तो बस इस पर टैप कर दीजिए और आपका जो नाम था वो बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको लिखना हो बुलेट्स नंबरिंग में तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपको फॉन्ट लेफ्ट जस्टिफाई करना हो, सेंटर में करना हो, राइट में लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ये आपका जो अपने टेक्स्ट है वो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट रोटेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो इन सारे टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्लाइड शो को बेटर बनाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन है, आप देखेंगे हमने अभी जो यहाँ पर सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं, जैसे ये स्लाइड शो पर हमने ये इमेज बनाई है, अगर आपको इसके अलावा कोई मैनुअली ड्रॉ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मैनुअली कुछ लिख दिया। यहाँ पर इरेज़र दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको इरेज़ कर सकते हैं। तो इरेज़र जो इस्तेमाल होगा वो केवल ये जो ड्रॉ करेंगे आप उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद में यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो अगर आप अपने स्लाइड शो पर कोई भी थीम लगाना चाहते हैं जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, वो आप यहाँ से दोबारा भी ले सकते हैं। तो जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये थीम है वो हमारे स्लाइड शो पर अप्लाई हो गई। इसके बाद यहाँ से हम दूसरी थीम लेके देखते हैं, चलिए ये वाली ले लेते हैं, तो ये देखिए ये भी हमारे स्लाइड शो पर अप्लाई हो गई, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया इससे। दूसरी कोई और लेके देखते हैं, चलिए
ये थीम भी अप्लाई हो गई। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद में यहाँ पर जो इफेक्ट दिए गए हैं वो हैं ट्रांसमिशन के। अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं और कोई भी इफेक्ट लगाते हैं तो यहाँ से आप लगा पाएंगे। बस आप इसको टैप कीजिए, टैप करने के बाद आपको यहाँ पर वो सारे इफेक्ट मिल जाएंगे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाले। तो इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन्यू है उसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑप्शन है स्लाइड शो का। तो स्लाइड शो में आपको ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगनिंग का और फ्रॉम करंट स्लाइड का। अगर आप फ्रॉम बिगनिंग पे टैप करते हैं तो आपका जो स्लाइड शो है वो पहली वाली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए स्लाइड शो को इस पर चलाने के लिए फ़ोन पे अगर आप मैनुअली चलाते हैं तो सिंपल आपको इस तरीके से स्वैप करना है और आपकी अगली स्लाइड आ जाएगी। अभी हमने काफ़ी सारे एनिमेशंस नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर हम एनिमेशन लगाते और पूरी तरह से स्लाइड को तैयार करते तो एक बहुत बेहतरीन स्लाइड शो बन सकता था। स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए बस आपको एक स्वैप और करना है और यहाँ पर जाकर आपको बैक जाना है। तो इस तरह से आप फ़ोन पर एक बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।